साउथ कोरिया में एक ऐसी घटना घटी जिससे एक बार फिर से पूरा मनुष्य सोच में पड़ गया है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस रोबोट को सुसाइड करना पड़ा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साउथ कोरिया के एक रोबोट ने हाल ही में सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस रोबोट को कैलिफोर्निया की कंपनी बियर रोबोटिक्स ने बनाया था और ये रोबोट एक कंपनी में एम्प्लॉय था जिसका बकायदा एम्प्लॉय कार्ड भी बना हुआ था और वो सुबह से शाम एक निर्धारित समय अनुसार काम करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या दिक्कत आया कि इस रोबोट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया? आइए समझते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये रोबोट सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले कुछ समय थोड़ा विचलित था, इधर उधर चक्कर काट रहा था। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये रोबोट एआई इंटेलिजेंस से लैस था, जिसे सीढ़ियाँ, एक्सकलेटर और भी सारी चीज़ों को भली भांति समझना और इस्तेमाल करना आता था। लेकिन फिर भी इस रोबोट ने सीढ़ियों से कूद करके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया। अब बात यह है कि आखिर ऐसी दिक्कत क्या आन पड़ी? तो इस मामले को पूरी तरीके से जांच के दायरे में रखा गया है और इस रोबोट्स के डिस्ट्रॉय हुए सारे नमूने को एक कलेक्ट करके फिर से कंपनी को भेज दिया गया है। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।